नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूपम और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। तो आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हूँ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे अपना वीडियो बना रही हूँ। कुछ पर्सनल इशू थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो आज मैं एक सोची कि नए तरीके से और नए अंदाज में आज वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। तो चलिए, जिन लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जिन लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्वीट डेजर्ट और बहुत ही हेल्दी डिश लेके आई हूँ, जो कि सभी उम्र के और सभी बच्चे बूढ़े सभी इसे खा सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को बनाना शुरू करती हूँ। रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैं 150 ग्राम डेट्स ली हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इसके सारे बीज को मैं निकाल के अलग कर लूंगी। उसके बाद मैं 150 ग्राम काजू ली हूँ और 100 ग्राम आलमंड ली हूँ। आप चाहे तो आलमंड की जगह छोटा वाला जो बादाम होता है उसे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि आप गैस को जला लें, उसके बाद तवा पे या फिर कढ़ाई में काजू और जो आलमंड है ना उसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छा से भून लेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि एकदम धीमी आंच पे होना चाहिए और 1 से 2 मिनट से ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन सबको पहले ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, मिक्सी जार लेना है और इस उसमें जो आलमंड और काजू जो मैं भूनी थी उसे मैं इसमें डाल दूंगी। और ध्यान रखिएगा कि हमें इसे 2 फेज में पीसना है, तो जो पहली बार जब हम पीसेंगे ना वो दरदरा होना चाहिए, पूरा हमें इसे पाउडर नहीं बनाना। तो ये देखिए हमारा दरदरा सा पाउडर तैयार हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डेट्स का मैं बीज निकाली थी ना, डेट्स को मैं ले लूंगी और एक बाउल में दरदरा जो पाउडर था उसे भी मैं डाल दूंगी और जो डेट्स था उसे भी डालकर अच्छे से मैं हाथ से मिला लूंगी। उसके बाद इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद हम फिर से उसे बाउल में हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको पीसना है और इसे हम फिर से अच्छे से हाथ की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स आपको इतना करना है कि एक अच्छा सा बाइंड आ जाए, जिससे कि एक लोई हमारा तैयार हो जाए। तो चलिए देखिए इस तरह से लोई आपको तैयार हो जाएगा, तो बस उसे साइड कर दें। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करने वाली हूँ, डार्क चॉकलेट मैं ले ली हूँ। यहाँ पे मैं नो शुगर वाला डार्क चॉकलेट ली हूँ, ये बहुत ही हेल्दी होता है। उसे हमें क्या करना है, हम इसे अच्छे से पहले मेल्ट कर लेंगे। इसके लिए मैं क्या की हूँ कि एक नीचे बॉल में गर्म पानी ले ली हूँ, उसके ऊपर मैं क्या की हूँ जो चॉकलेट उसमें रख ली हूँ और एक दूसरा बाउल में मैं थोड़ा सा उसमें गर्म दूध या फिर थोड़ा सा दूध की जगह गर्म पानी भी आप डाल के उसका एक अच्छा सा चॉकलेट का सिरप आपको बना लेना है। तो ये हमारा चॉकलेट सिरप तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मोल्ड ले ली हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो ये जो मैं लोई बनाई थी उसे मैं क्या करूँगी, एक एक करके सारे में मैं फिलअप करूंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी कटोरी या ग्लास, अगर आपके पास कटोरी ग्लास तो सबके घर में होता है, तो आप चाहे तो हाथों की मदद से भी उसे प्रेस कर सकते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, आप किसी भी चीज की मदद से उसे अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। के बाद जो मैं चॉकलेट सिरप बनाई थी ना उसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए चम्मच की मदद से आप इस पे चॉकलेट सिरप आप इस पे डाल सकते हैं, जिससे कि ये टेस्टी टेस्ट में भी बहुत बढ़िया, खाने में भी लगेगा और बहुत यम्मी, क्योंकि चॉकलेट सभी को पसंद होता है और ये डार्क चॉकलेट है तो ये आपको हेल्थ के लिए हानि भी नहीं करेगा, इसे सभी लोग खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं चॉकलेट सिरप सारे मोल्ड पे गिरा दूंगी इस तरह से। उसके बाद आप उसे इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो मैं पाउडर तैयार की थी ना, जो काजू और आलमंड, उसे भी मैं ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। आप चाहे तो इसके ऊपर नारियल का जो चूरा होता है उसे भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसका भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अब जैसे ही ये सारा प्रोसेस हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे फ्रिज में हमें ओवरनाइट या फिर 3 से 4 घंटे भी आप रख दीजिएगा ना, तो बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से चॉकलेट है ना ऊपर से वो जम जाएगा, पिघलेगा नहीं।
तो और जैसे ही 4 से 5 घंटा हो जाए या फिर ओवर नाइट, उसके बाद उसे आपको निकालना है और उसे आप फिर उसके बाद आराम से उसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट भी आते हैं ना तो आप आराम से उन्हें सर्व कर सकते हैं। और उसे आप चाहे ना तो कट करके भी 4 भाग में आप उसे रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में भी आप रख सकते हैं, ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। और फ्रिज में ही रखने से ज्यादा फायदा है क्योंकि वो चॉकलेट है ना, अभी थोड़ी गर्मी चल रही है तो चॉकलेट मेल्ट होने का भी टेंशन रहता है, तो इसे आराम से आप फ्रीजर में नहीं रखिए, फ्रिज में ही नॉर्मल रखिए, तो ये बहुत दिन तक भी चलेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही डिलीशियस यम्मी है, ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ये देखिए हमारा ये रेसिपी बन के तैयार हो गया है। दोस्तों एक बात आप लोगों से बोलना था कि रेसिपी तो मैं बना दी और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी हूँ, लेकिन मैं बहुत सोची कि इस स्वीट डिश का नाम क्या रखा जाए, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं दिमाग में आया, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इसका क्या नाम रखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, फिर कि दोस्तों वीडियो बनाने में तो मेहनत लगती ही है और मैं जैसा आप लोगों को पता है कि मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ, अगर कुछ गलती या फिर कुछ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।